नमस्कार दोस्तों, फसल सलाह के इस यूट्यूब चैनल में मैं अभिषेक पाठक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे देश की मंडियों के भाव के बारे में। क्या चल रहा है मंडियों का भाव, कौन सी फसल का कितना है दाम, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे धान की। तो धान में बूंदी जो शहर है राजस्थान का, उसमें भाव 17-18 का चल रहा है, 4000 से लेकर 4350 रुपये। 1509 का भाव है, 3550 से लेकर 3851 रुपये। चवंदा का भाव है 3500 से लेकर 3735 रुपये। और तोहाना मंडी में 1401 कंबाइन का जो भाव है वो 4580 रुपये। कैथल में 17-18 का भाव 4600 रुपये। चलिए बात करते हैं दूसरी फसल की। तो बात कर लेते हैं गेहूं में क्या चल रहा है भाव। तो गेहूं में छतरपुर मंडी में 2150 रुपये, वाराणसी में 2450 रुपये, बहराइच में 2150 रुपये, मुंबई में 2300 रुपये, जयपुर में 2300 रुपये, सिरसा में 2000 से लेकर 2140 रुपये, राजकोट में जो सुपर है जो वैरायटी है उसका भाव है 2350 रुपये, इंदौर में लोकवन का भाव चल रहा है 2500 से 2650 रुपये। देखिए गेहूं के भाव बहुत तेजी के साथ ऊपर गए थे, सरकार ने अपनी पूरी कोशिश की और एमएसपी के निकट लाने की। गेहूं का भाव काफी तेज चल रहा था, इसको नीचे लाने के लिए सरकार द्वारा खुले बाजार में गेहूं की बिक्री शुरू की गई, जिसमें कि 2700, 2800, 2900, 2900 रुपए लेकर गेहूं का भाव चल रहा था जगह जगह पे। तो उसका भाव एमएसपी तक लाने के लिए सरकार द्वारा कोशिशें की गई, जो कि सफल होती भी नजर आ रही है। इसके बाद बात करते हैं मक्का की। तो मक्का में कटवाड़ा मंडी में जो भाव है वो 2190 रुपये, तिरुपति में 2200 रुपये, जयपुर में 2275 रुपये, दाहोद में जो हाइब्रिड मक्के का भाव चल रहा है वो है 2650 से लेकर 2700 रुपये, मुजफ्फरपुर मंडी का भाव है मक्के का 2311 रुपये। तो ये थी आज की मंडियों की भाव की जानकारी। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए व और मंडी भाव जानने के लिए फसल सलाह ऐप को डाउनलोड करें और अपने साथियों के साथ साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।